अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, तो आज हम किस क्लास में मौजूद हैं, क्या शुरू करने वाले हैं? फोनेमिक राइम की किताब में काम करना है आज हमें। बिल्कुल ठीक। और आप सब ने आपने पिछला काम अपना कंप्लीट कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने क्या की थी? मैचिंग की एक्टिविटी की थी। बिल्कुल ठीक, कंप्लीट कर ली थी। वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। अच्छा जी, तो आज हम अपनी क्लास में क्या काम करेंगे? आज हम एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। और वो क्या है? इसके लिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 5 निकालिए। हरी अप। वेरी गुड, सब ने पेज नंबर 5 ओपन कर लिया। गुड, ज़बरदस्त भाई। अच्छा जी, अब आप मुझे ज़रा देख के तो बताइए कि सबसे पहले जब हम अपने पेज पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? डेट्स। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले हम डेट को देखते हैं। तो ज़रा जल्दी से डेट मेंशन कर लीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो खुद लिखिए, वरना अपने मामा से लिखवा लीजिए। ठीक है, चलें। और उसके बाद डेट के बाद हमने क्या काम करना होता है? डेट के बाद हमें आइकन देखने होते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे ऊपर यहाँ पे कितने आइकन्स मौजूद हैं? हेयर वी हैव 2 आइकन्स ऑन दिस पेज, 1, 2। वेरी गुड, सबसे पहले आइकन में क्या है? एक पेंसिल है और वो कुछ लिख रही है ना? तो इस आइकन का क्या मतलब है? व्हाट वी हैव टू डू? राइट, राइट, राइट। वेरी गुड, हमें क्या काम करना है? हमें राइटिंग करनी है। यस, और सेकेंड आइकन तो भाई सबको पता है, सेकेंड आइकन में क्या है? कलर। वेरी गुड, कलर, गुड। सेकेंड आइकन इज कलर, गुड, कलर, वेरी गुड। और हमने यहाँ पे सेकेंड आइकन में कलर की एक्टिविटी करनी है। ठीक है, चलें। अब यहाँ पे पेज पे क्या काम है भाई? अरे वाह, इस पेज पे तो कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे पिक्चर से ऊपर पेज पे कुछ साउंड्स, आपके कुछ लेटर्स, कुछ साउंड्स जो हैं वो यहाँ पे अलग से लिखी हुई हैं। क्यों? और एक चीज़ आपने और देखी, जो पिक्चर्स हैं उनके जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं वो कंप्लीट भी नहीं है, है ना? उनके जो फर्स्ट बिगनिंग साउंड है वो मिसिंग है, यानी हमारी तमाम पिक्चर्स की बिगनिंग साउंड मिसिंग है। और ये सारी बिगनिंग साउंड्स यहाँ से उठ के यहाँ पे ऊपर रेस्ट कर रही हैं। जी हाँ, सारी बिगनिंग साउंड ऊपर रेस्ट कर रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो एक मज़ेदार सा काम करना है। सबसे पहले राइट है हमारा आइकन, तो हम राइटिंग की एक्टिविटी करनी है। हमने क्या करना है? पिक्चर देख के सही बिगनिंग साउंड सेलेक्ट करनी है, सोचनी है, और फिर वहाँ पे जो आपकी ब्लैंक मौजूद है वहाँ पे उस बिगनिंग साउंड को लिखना है, अपना वर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, और मुझे पता है ये काम तो बहुत आसान है क्योंकि आप इन पिक्चर्स को बहुत अच्छे से पहचान गए हैं। तो जल्दी से ज़रा देखिए, पहली पिक्चर किस चीज़ की है? मैट। वेरी गुड, मैट, गुड, मैट, गुड। मैट की बिगनिंग साउंड क्या होती है? सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड, मैट, यस, मैट, वेरी गुड, मैट, गुड। अब ज़रा हमें ढूंढना है यहाँ जो ऊपर पेज पे आपके पास जो साउंड्स रेस्ट कर रही हैं, ज़रा इसमें से ढूंढिए भाई, कहाँ है? पहला वाला है? नो। सेकेंड वन इज नो। यस, थर्ड वन इज ये रहा तो चलिए हम यहाँ यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। जल्दी से आप अपने मैट के नीचे जो है वो बिगनिंग साउंड कंप्लीट कीजिए। गुड, आपने लिखा सबने? वेरी गुड, अब क्या हो गया हमारा वर्ड कंप्लीट होके? पढ़िए, एट मैट। वेरी गुड, एट मैट। चलिए अब सेकेंड पिक्चर देखते हैं। सेकेंड पिक्चर किस चीज़ की है भाई? सेकेंड पिक्चर है रैट की। यस, रैट, रैट, रैट। एंड व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ रैट? रैट की बिगनिंग साउंड क्या है? र। गुड, व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ रैट? र। वेरी गुड, और र हमें ढूंढना है कहाँ से? बिल्कुल ठीक, ये जो यहाँ पे वर्ड्स हमारी साउंड्स रेस्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें से ज़रा ढूंढिए कहाँ पर है।
ये सारी साउंड्स हैं, कैसे ढूंढें? ढूंढें, फर्स्ट वन इज नो, सेकंड नो, थर्ड नो, फोर्थ है नो, हाँ फिफ्थ वन इज र, वेरी गुड, दिस इज र। तो चलिए र अब हम रैट को कंप्लीट करने के लिए लिख देते हैं ताकि हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। र एट रैट, र एट रैट, वेरी गुड। अब नाउ द थर्ड पिक्चर हमारी क्या है? थर्ड पिक्चर इज कैट, यस। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ कैट? कैट की बिगिनिंग साउंड क्या है? ख, गुड, ख कैट, ख कैट। अब जल्दी से ज़रा हम ढूंढें ऊपर जो रेस्ट कर रही है साउंड, कि इसमें से ख कहाँ है? ओ द लास्ट वन, यस दिस इज ख। तो चलिए इसे जल्दी ख लिख दीजिए, शाबाश। अपने हमने ब्लैंक में ख लिखा, हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, ख एट कैट, ख एट कैट, वेरी गुड। चलिए उसके बाद अब देखिए एक पिक्चर और मौजूद है यहाँ, डॉग की। एंड द डॉग इज फैट, यस फैट। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ फैट? फैट की बिगिनिंग साउंड क्या होती है? गुड, व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ फैट? वेरी गुड। चलिए अब जरा ढूंढिए भाई यहाँ पे कहाँ है, फर्स्ट वन, पहला वाला नहीं, दूसरा, यस वेरी गुड, दिस इज। अब जल्दी से फैट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक में लिख दीजिए। हमने वर्ड कंप्लीट किया, क्या बना? एट फैट, एट फैट, वेरी गुड। अच्छा, फैट के बाद किस चीज़ की पिक्चर है? हैट, यस दिस इज हैट, हैट। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ हैट? गुड, व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ हैट? अब जरा हमें ढूंढना है, अरे वाह ये तो पहला ही लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ही ह मौजूद है। जल्दी से यहाँ पे लिखिए और अपना वर्ड कंप्लीट कीजिए, एट हैट, एट हैट, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अरे वाह भाई, अब तो लास्ट पिक्चर एक मौजूद है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ बैट, यस दिस इज अ बैट। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ बैट? ब, ब एट बैट, ब एट बैट। अब ब हमें ढूंढना है, अच्छा जी ब कहाँ है, ढूंढिए ढूंढिए, इज दिस ब? नो, इज दिस ब? नो, ओ फोर्थ नंबर पे जो लिखा हुआ है, यस हियर इट इज ब। तो चलिए ब लिखिए और अपनी वर्ड को पिक्चर के साथ कंप्लीट कीजिए, ब एट बैट, ब एट बैट, वेरी गुड। तो देखा हमने सारी बिगनिंग साउंड सही सही सेलेक्ट की, उन्हें लिखा और अपने वर्ड्स कंप्लीट किए। कौन कौन से वर्ड्स हमने आज कंप्लीट करके बनाए हैं? मैट, रैट, कैट, फैट, हैट और एट, वेरी गुड। चलिए अब हमें दूसरी एक्टिविटीज पेज पे क्या करनी है? कलर। तो जल्दी से अपनी पिक्चर्स में कलर कंप्लीट कीजिए, कलरिंग का काम, और उसके बाद अपने पेज की पिक अपने टीचर को सेंड कीजिए और बताइए कि आपने कौन कौन से वर्ड्स बनाना सीखे हैं, कौन कौन से बिगनिंग साउंड्स को हमने आज ब्लैंक्स में लिखा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।